अपने देश से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन आपको पड़ोसी देश के लिए इस तरह की नफरत रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें सीतारामम मूवी में एक युवा महिला से कहता है। हनु राघवपुरी से डायरेक्ट की गई सीतारामम मूवी सिर्फ एक लव स्टोरी ही नहीं, उससे कहीं ज़्यादा अधिक है। ये मूवी से डायरेक्टर हनु राघवपुरी ने ये मैसेज दिया कि वॉर, बाउंड्रीज और रिलीजियन से भी मानवता मायने रखती है। सीतारामम मूवी अपने टाइटल कैरेक्टर्स सीता महालक्ष्मी और लेफ्टिनेंट राम के बीच के रहस्य को दो टाइम पीरियड्स 1964 और 1984 के माध्यम से उजागर करती है। अफरीन इंडियन कम्युनिटी को हेट करने वाली और लंदन में पढ़ने वाली एक पाकिस्तानी है। वह इंडिया तब आती है जब उन्हें 20 ईयर्स पुराने हीरो राम से लिखित एक लेटर हीरोइन सीता को पहुंचाने का काम सौंपा गया। इसके लिए वह अपने कॉलेज सीनियर बालाजी की मदद लेकर हैदराबाद आती है। इंडिया को और इंडियंस पर हेट्रेडनेस रखने वाली अफरीन सीता को लेटर पहुंचाने के अपने जर्नी के दौरान ऐसे कई बातें उनके सामने आते हैं जिसके कारण उनको इंडिया के प्रति भक्ति भाव और रेस्पेक्ट डेवलप होता है। सीता और राम के बैकग्राउंड्स और रिलीजियंस अलग होने के बावजूद दोनों किस तरह के सिचुएशंस में मिले और इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को डायरेक्टर हनु राघवपुरी ने ऐसे पिक्चराइज किया कि ये एक क्लासिक और रोमांटिक लव स्टोरी के साथ साथ रिलीजियन और ह्यूमैनिटी को वैल्यू देने का मैसेज सोसाइटी को देती है। राम और सीता कैरेक्टर्स में दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर ने और अफरीन के कैरेक्टर में रश्मिका मंदाना ने सीतारामम मूवी के द्वारा व्यूअर्स के दिलों में अपनी जगह बना लिया। हीरो एक अनाथ है तो हीरोइन फैमिली रहते हुए भी अकेली है। सीतारामम स्टोरी को एक फेरी स्टोरी बनाने के लिए डायरेक्टर ने स्टोरी को स्नो माउंटेन्स और फॉरेस्ट के ग्रीनरी में सेट किया और इसके बीच स्टार क्रॉस्ड लवर्स है जो कभी एक साथ रहने के लिए नहीं थे। सी यू अगेन विद अ न्यू टॉपिक इन ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।